नमस्कार, हिम टुडे में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एचपी गवर्नमेंट जॉब्स जो हिमाचल में सरकारी नौकरियां निकली हैं उसकी जानकारी देंगे। ये जो नोटिफिकेशन है इनकी वीडियो हमने अभी तक नहीं बनाई है। ये सभी लेटेस्ट वैकेंसीज हैं, तो इसको दिसंबर में आपको अप्लाई करना है कुछ वैकेंसीज के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम HPTU की, फिर IGMC की, फिर HP फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की, उसके बाद हिमाचल में पटवार सर्कल में जो वैकेंसीज निकली हैं उनकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, अगर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि आपको इस तरह की जानकारी सबसे पहले मिले। सबसे पहले बात करते हैं HPTU हमीरपुर की। यहाँ पे जो पोस्टें निकली है वो है पीरियड बेसिस पे, 1 ईयर क्या इनका पीरियड है और एक्सटेंडेबल है ये 3 ईयर्स तक, यानी कि 1 साल रखेंगे और बढ़ा सकते हैं 3 साल तक जब तक कोई रेगुलर पोस्ट फिल नहीं की जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे एडिशनल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की, एक पोस्ट है, डेप्यूटेशन बेसिस पे है ये। सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 की एक पोस्ट है, सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 की एक है और सीनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट है। इसके लिए आवेदन 20 जनवरी 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 55 ईयर्स। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो ऑफिसर और ऑफिशियल अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडरे और डिपार्टमेंट कैरिंग द पे स्केल ऑफ द रिस्पेक्टिव पोस्ट। दोस्तों, अगर आप इस पोस्ट का पे स्केल यानी कि जो पे स्केल दिया है उस पर वर्क करते हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। यानी कि आप जैसे कि सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, PSUs में या कहीं पे जॉब किया आपने इस पे स्केल पे, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद HPTU ने और वैकेंसीज निकाली हैं और दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें इन्होंने ऑफलाइन आवेदन मांगा है, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको बता देंगे। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली है इसमें 20 जनवरी 2020 ही लास्ट डेट है। ये असिस्टेंट कंट्रोलर की है और असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की है और उसके में 2 पोस्ट हैं, पर्सनल असिस्टेंट की और लॉ ऑफिसर की 1 पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट की 2 है, एक फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए, एक जनरल के लिए, और JOAIT की 1 पोस्ट है और ड्राइवर की 1 पोस्ट है। इसमें डायरेक्ट बेसिस पे और डेली बेसिस पे है दोस्तों, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो इन पोस्टों के लिए। तो आपको जो इनवेल्प है उसमें ऑफलाइन अप्लीकेशन फॉर्म HPTU को भेजना है 20 जनवरी 2020 से पहले इन पोस्टों के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से रहेगा दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है जो कि 04/2019 इन्होंने इन पोस्टों के लिए लिखा है। उसके बाद डेट है पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि स्टेनोटाइपिस्ट, JOAIT। उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और उसके बाद आपको पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और यहाँ पे फोटो लगा के इनको भेज देना है HPTU हमीरपुर को। दोस्तों, उसकी फुल नोटिफिकेशन हमें आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा जो आप डाउनलोड करके भेज सकते हो जीरोक्स लिखे। उसके बाद बात करेंगे IGMC की। IGMC सभी को पता है शिमला में है, जो कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला है, और इसमें इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं, 2 एडवर्टाइजमेंट हैं। तो सबसे पहले बात बता दूं, इसमें 28 दिसंबर 2019 से पहले आपको अप्लाई करना है शाम को 5 बजे से पहले, और यही आपको इसमें भी एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली अटेस्टेड इनके ऑफिस में सेंड करने हैं यानी कि भेजने हैं। इसमें जो पोस्टें निकली हैं उनकी जानकारी दे दें। सबसे पहले लैब टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है और डाटा मैनेजर की है, फार्मासिस्ट की है, एक एक पोस्ट है। उसमें ड्यूरेशन 1 ईयर लिखा है इन्होंने, सभी में 1 ईयर की ड्यूरेशन पे रख रहे हैं। और इसके बाद एज लिमिट है 18 से 40 और जो फार्मासिस्ट है उसकी 18 से 45 साल। तो दोस्तों, ये जो इनके लिए द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रेमुनरेशन, एज लिमिट एंड अदर टर्म एंड कंडीशन फिलिंग अप दीज पोस्ट आर आल्सो एनेक्सर ए विच इज़ अवेलेबल ऑन IGMC वेबसाइट से भी आप इसके बारे में जान सकते हो। तो इसके लिए जो आवेदन करना है आपको वो 28 दिसंबर 2019 से पहले शाम को 5 बजे तक करना है इन पोस्टों के लिए। इसके बाद IGMC में ही और वैकेंसी निकली हैं जो है फील्ड वर्कर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो दोस्तों, इनमें भी इन्होंने जो आवेदन की लास्ट डेट रखी है वो है 28 दिसंबर 2019। तो इसमें फील्ड वर्कर की 2
और डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक वैकेंसीज है, और ड्यूरेशन इन्होंने बताई है 31 मार्च 2020, यानी 3 मंथ के लिए। दिसंबर तो अभी चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों के लिए रख रहे हैं। 18 से 30 साल है एज लिमिट फील्ड वर्कर के लिए, 18 से 28 है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो इन वैकेंसीज के लिए भी आप 28 दिसंबर 2019 तक अप्लाई कर सकते हैं। IGMC की वेबसाइट से आप इसके रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है वो भी ले सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे जाके भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश शिमला। तो दोस्तों, इन्होंने जो डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक सर्विसेज हिमाचल का, इन्होंने वैकेंसीज निकाली है PN की, लेबोरेटरी अटेंडेंट की और ड्राइवर की। तो कुल मिला के यहाँ पे 5 वैकेंसीज हैं, और इनमें सबसे पहले PN क्लास 4 की 2 वैकेंसीज है जनरल की, मैट्रिक क्वालिफिकेशन मांगी है और 250 रुपीज़ पर डे ये डेली वेजेस पे रखे हैं। और लेबोरेटरी अटेंडेंट की भी इसमें 2 वैकेंसीज हैं, मिडिल पास है। मिडिल दोस्तों मैं बता दूं, 8वीं पास होता है मिडिल, और मैट्रिक आपका 10th पास होगा। मिडिल पास इन्होंने लिखा है तो 8th पास होना आपका अनिवार्य है इसके लिए, और 250 रुपये पर डे मिलेगा इसमें। और ड्राइवर क्लास 3 की जो पोस्ट है उसमें, एक जनरल की पोस्ट है उसमें मैट्रिक का होना जरूरी है, यानी कि 10वीं पास होना आपका जरूरी है। 305 रुपये पर डे आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो भी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और सभी आपको इनको सेंड करना है, जो कि इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर्म की, और इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको 12 दिसंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक फिल करना है, यानी कि 12 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की इन्होंने जो टाइम ड्यूरेशन दी है फिल करने की, और शाम को 5 बजे तक। और जो लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट की, जो सबमिशन एंड लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट इज़ 31 दिसंबर 2019, शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो इन वैकेंसीज के लिए, PN की, LA की और ड्राइवर की, HP फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है, कोई भी अन्य जानकारी चाहिए, तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अब इनमें कुछ आपको एलिजिबिलिटी की कंडीशन बता देते हैं। जो एज लिमिट इन्होंने रखी है वो 18 से 45 साल है, और जो एज की लिमिट देखेंगे ये 18 साल कब हो है और 45 साल कब, वो 1 दिसंबर 2019 तक अप्लीकेबल होगी, यानी कि 1 दिसंबर 2019 तक ये देखेंगे कैंडिडेट की एज। और जो रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है कैटेगरी वाइज, वो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ही चलेगा, जैसे कि 5 ईयर्स रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट ऑफ SC ST, यानी कि अगर SC ST कैंडिडेट है तो उनकी एज लिमिट हो जाएगी 50 साल तक। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। PN की क्वालिफिकेशन, आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है इसमें, और LA के लिए आपका मिडिल पास यानी कि 8वीं पास, और ड्राइवर के लिए भी मैट्रिक पास होना जरूरी है। तो इनकी जानकारी आपको पूरी यहाँ पे दी दी है। इसके बाद पटवार सर्कल की बात करेंगे दोस्तों। इसमें जो अम्ब जिला ऊना में है वहाँ पे पटवार सर्कल की वैकेंसीज निकली हैं। इसमें जो आवेदन है, इसमें वर्कर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कुल 3 पद भरे जाने हैं। दोस्तों, इसमें 3 पदों के लिए इन्होंने आवेदन मांगा है, और इसमें जो अंतिम तिथि है वो 13 जनवरी 2020 रखी है। और इसमें आपको बता दें, जो प्रेफरेंस दी जाती है वो वहीं के कैंडिडेट्स को दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि मैं अगर मंडी से हूँ तो मैं कांगड़ा में फिल कर सकता हूँ। दोस्तों, अगर फिल तो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको प्रेफरेंस कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि कांगड़ा के कैंडिडेट और वो भी उसी जो नज़दीक का कैंडिडेट होंगे उसी को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इसमें जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं उसको उस इलाके की पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करोगे, आपको वहाँ की जानकारी नहीं होगी तो आपको नहीं रखेंगे वो। तो इसके लिए जो योग्यता है वो है मैट्रिक पास, यानी कि 10वीं पास, और आयु सीमा रखी है 18 से 45 वर्ष। इसके लिए आपके पास होना चाहिए हिमाचली बोनोफाइड, यानी कि हिमाचली लोग ही इसके लिए अप्लीकेबल है, एलिजिबल है, और दूसरे बाहर के लोगों के लिए ये वैकेंसीज नहीं है। और तहसील अम में ये पटवार ब्रीथ है भैरा और चक्करसराय के लिए ये वैकेंसीज भरी जा रही हैं, और उप तहसील बरवाई पटवार सर्कल ब्रीथ है इसमें बदमाना व उप तहसील बरवाई में पार्ट टाइम स्वीपर का 1 पद भी है। इसमें कुल मिला के 4 पद हो रहे हैं, इसमें 3 पद पहले हमने ऊपर बताए। दोस्तों, इसमें जो ऊना अम्ब जिला के
जो भी कैंडिडेट हैं इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हिमाचल से जुड़ी हर खबर और नौकरी की जानकारी सबसे पहले मिले। और दोस्तों सभी नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके लिए इस लिंक पे जा सकते हो या गूगल पे हिम टुडे लिख सकते हो, आपको डायरेक्ट हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेके आप फिल करके भेज सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।